तो आज की हमारी इस क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल फास्ट ट्रैक की दूसरी क्लास। पहली क्लास में हमने फॉर्मेटिंग्स के बारे में बात की थी, आज हम डेटा हैंडलिंग के बारे में बात करेंगे आपके साथ। डेटा हैंडलिंग, तो चलिए हम एक्सेल फाइल ओपन करते हैं और शुरू करते हैं अपनी सेशन को। और कल की क्लास की रिकॉर्डिंग्स और आप लोगों की प्रैक्टिस फाइल भेज दी थी। आप लोगों ने प्रैक्टिस, दो तीन लोगों ने मुझे प्रैक्टिस फाइल वापस भेजी है, लेकिन बाकी लोग प्रैक्टिस फाइल नहीं भेजे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कल संडे है, कल और आज दोनों की प्रैक्टिस फाइल भेज दीजिएगा और फिर मैं देख के जो जो कमियाँ हैं हम आपको अगली क्लास में समझा देंगे। तो सबसे पहले आज की हम क्लास में प्रोटेक्शन से शुरू कर रहे हैं कि हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। आज की क्लास में हम बात करेंगे किसी पर्टिकुलर शीट को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, हम बात करेंगे आपके साथ। मतलब कि मेरे साथ शीट टू पे डेटा है, आप देख पा रहे हैं, और मैं चाहता हूं इस डेटा के ऊपर कोई भी किसी भी तरह का एंट्री ना कर सके। तो सिंपल सी बात है, हम सीट पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, और प्रोटेक्ट करने के बाद यहाँ हम पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालते ही यहाँ पासवर्ड कंफर्म करने का आएगा, कंफर्म द पासवर्ड, यहाँ पासवर्ड कंफर्म करने कीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट क्लियर कहता है कि इफ फॉरगेट एंड लॉस्ट द पासवर्ड इट कैन नॉट बी रिकवर। तो पासवर्ड आपका रिकवर नहीं होगा, इसका ध्यान आप रखिएगा, क्योंकि अगर आपका पासवर्ड लॉस्ट हुआ तो डेटा लॉस्ट हो जाएगा। हालांकि तरीके हैं पासवर्ड को हटाने का, लेकिन परफेक्ट तरीका नहीं है, भरोसेमंद नहीं है। तो देखिए, मैं कहीं भी किसी तरह का एंट्री नहीं कर पा रहा हूं, जैसे ही मैंने ओके किया। लेकिन अगर मैं इस पे चाहता हूं कि ऐसा कुछ करूं कि डेटा सिलेक्ट ना हो, अब ऐसा क्यों करना चाहता हूं? मैं कॉपी एनेबल करना चाहता हूं, कोई भी मेरे डेटा को कॉपी ना कर सके। पर प्रॉब्लम ये है कि कॉपी एक्सेल का पार्ट नहीं, वो विंडोज का पार्ट है। तो कॉपी जो है एक्सेल का पार्ट नहीं है, किसका पार्ट है? विंडोज का पार्ट। अब विंडोज का पार्ट हो जाने के कारण हम उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, लेकिन बिना किसी तरह का सिलेक्शन के हम कॉपी भी तो नहीं कर सकते। जब तक हम सिलेक्शन ना करें कॉपी तो होगा नहीं। इसलिए जब हम अनप्रोटेक्ट करके हम पासवर्ड डालते हैं और वापस हम प्रोटेक्ट करते हैं, तो यहाँ देखेंगे कि बहुत सारे चेक बॉक्स होते हैं। ये चेक बॉक्स होते क्यों हैं? तो बेसिकली ये चेक बॉक्स जो होता है वो आपका होता है, चेक बॉक्स जो है वो चेक बॉक्स होता है कि आफ्टर द प्रोटेक्शन, सीट को प्रोटेक्ट करने के बाद आप किस क्या क्या करना है आपको। जैसे कि मैंने अगर फॉर्मेट सेल पे क्लिक करके ओके कर दिया तो मैं डेटा को चेंज नहीं कर सकता हूं, बट डू द फॉर्मेट, हम यहां पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो उसी तरीके से यहां जब हम अनप्रोटेक्ट करके प्रोटेक्ट करता हूं, आपस में जब प्रोटेक्ट करता हूं तो इस सिलेक्शन करने के आफ्टर द पासवर्ड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है हमें सिलेक्शन हटाना है, सिलेक्शन क्यों हटाना है? ताकि हम डेटा कॉपी ना कर सके। तो यहां से हम इसको अनचेक कर दिए एंड ओके कर दिए। अब देखिए, अब कहीं भी हम क्लिक नहीं कर पा रहे, और जाहिर सी बात है जब क्लिक करेंगे नहीं तो कॉपी होगा कैसे? अब यहाँ एक सेल कॉपी हो गया क्योंकि एक सेल सिंगल सिलेक्ट था, अब ब्लैंक सेल कॉपी होके करेगा ही क्या? तो ये हमारा प्रोटेक्शन में किसी सीट को प्रोटेक्ट करना और वहां से सिलेक्शन को हटाना है। अगर हम आगे बढ़े, हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया पे टाइप हो, जैसे कि यहाँ टाइप हो रहा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ हम टाइप कर पा रहे हैं, लेकिन इसके बाहर टाइप नहीं कर पा रहे। तो ये कैसे हुआ? तो ये चीजें हुई है प्रोटेक्शन में, हम बताते हैं कैसे किया मैंने इसको। तो क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट जब किसी सेल के अंदर फॉर्मेट सेल पे जाते हैं, इसके लास्ट वाला सेक्शन जो कि है प्रोटेक्शन, इस वाले सेक्शन में आते हैं, तो इसमें क्या है प्रोटेक्शन में, यहाँ आपका है लॉक्ड सेल। क्या है? लॉक्ड सेल।
मतलब कि इस लॉक सेल पे क्लिक है तो इसकी प्रॉपर्टी लॉक्ड है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? लॉक्ड है। जब मैं इस पे राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट शीट करूंगा तो ये प्रोटेक्शन को सपोर्ट करेगा, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं क्लियरली मेंशन है कि प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉक्ड सेल। तो जो लॉक सेल, इसकी प्रॉपर्टी लॉक, लॉक के मतलब नहीं कि पासवर्ड डाला हुआ, मतलब कि इसका प्रॉपर्टीज लॉक्ड हो गया, जिस कारण से वो प्रोटेक्शन को सपोर्ट करेगा। तो मैं इस येलो एरिया पे राइट क्लिक करके इसकी जो प्रोटेक्शन में जो लॉक पे क्लिक होता है ना, इस क्लिक को मैं यहां से अनचेक करके ओके कर देता हूँ। ऐसा करने के बाद अब मैं कहीं भी पासवर्ड, इसके लिए पासवर्ड डालना पड़ेगा क्योंकि अभी सब जगह वर्क कर सकता हूँ। तो आप एक्टिव कब होगा? जब इसके ऊपर मैं प्रोटेक्ट शीट में जाके पासवर्ड डालूंगा। अब मैं शीट के बाहर टाइप नहीं कर सकता, इस येलो एरिया के बाहर, बट यहाँ टाइप कर सकता है। अगर इसी का उल्टा करना कि मैं इस रेड एरिया पे टाइप ना कर सकूं और बाकी एरिया पे टाइप कर सकूं तो कैसे होगा? तो सबसे पहले पूरी शीट को सेलेक्ट करके फॉर्मेट सेल में जाना होगा और यहां से लॉक्ड को हटा देना। हटाने के बाद मैं इसको ओके करूंगा, मतलब कि अब मैं इस पे पासवर्ड डालूंगा, प्रोटेक्ट करूंगा तो पूरे शीट पे काम होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस रेड एरिया पे काम ना हो, तो मैं इस रेड एरिया को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल में मैं इस पे वापस लॉक को लगा दिया। अब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक कर प्रोटेक्ट शीट करके ओके करूंगा, तो अब देखिए यहां मैं टाइप कर सकता हूं बट यहां टाइप नहीं कर सकता। अब यहां क्वेश्चन नंबर इसमें आता है कि इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट क्या है? अब देखिए बेनिफिट में है कि मेरे पास ई एफ जी एच कॉलम जो है इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है, देख पा रहे हैं इसमें क्या लगा हुआ है? फॉर्मूला लगा हुआ। मतलब अब मैं यहाँ पे देता हूँ पूजा और यहाँ पे देता हूँ 70, यहाँ देता हूँ 80, और जैसे टैब प्रेस करूंगा तो ये पूरा कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन मुझे आगे यहाँ एच पे जाना है तो मुझे 4 सेकेंड वेस्ट करना होगा, मतलब हर एंट्री में मुझे 4 सेकेंड मेरा वेस्ट होगा। हम चाहते हैं कि जब इस पे हमें टाइप करना ही नहीं है कैलकुलेटर फॉर्मूला से, तो हमारा कर्सर यहाँ से उठ के डायरेक्टली यहाँ पे जंप करे। क्या करें इसके लिए? तो हम सेलेक्ट करेंगे पूरी शीट को, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल और लॉक हटा देंगे। और जो हमारा कैलकुलेटेड फील्ड है जिस पे मुझे कर्सर नहीं ले जाना है, उस पे राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल, और इस पे वापस लॉक को लगा देंगे। वापस हमने क्या किया? लॉक लगा दिया। मैं राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट शीट करूंगा और यहाँ सिलेक्ट लॉक सेल और सिलेक्ट अनलॉक सेल सिलेक्ट होगा, तो लॉक सेल को यहाँ से हटा दीजिए। मतलब कि मैं सिलेक्शन की परमिशन हटा दिया, कहाँ से? लॉक सेल। तो लॉक सेल कौन कौन है? डी ई एफ जी, देन ओके। अब यहाँ हम देते हैं उदय 74 65, और जैसे मैं टैब प्रेस किया मेरा कर्सर उठ के यहां से डायरेक्ट आएगा। देखिए मतलब अब मैं किसी भी तरह से इस पे कर्सर ले ही नहीं जा सकता। अब इस पे कर्सर नहीं ले जा सकता, जाहिर सी बात है मैं टाइप भी नहीं कर पाऊंगा। तो एक प्रोटेक्शन का हमारा पार्ट था। तो प्रोटेक्शन समझ में आ गया सबको? पासवर्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं आप लोगों नहीं सर, नो को? सर। ओके विवेक पांडे जी, आपने दो सेशन ज्वाइन किया ना? ठीक, मैंने दो सेशन ज्वाइन किया सर। अभी जी और है कि मान लीजिए मुझे ये फाइल को, फाइल के अंदर ओपनिंग पासवर्ड लगानी है, तो दो तरीके हैं। सेव एज कीजिए, जब सेव एज करते हैं उस पर सब सेव करते हैं, उस समय टूल्स में जाके जनरल ऑप्शन में जाके लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जनरल ऑप्शन,
पासवर्ड टू ओपन एंड पासवर्ड टू मॉडिफाई। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि फाइल आपकी नई होगी तब ऐसा करेंगे ना। अगर आपकी फाइल कोई पुरानी फाइल है, आपकी फाइल पुरानी है, तो उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में हम इन्फो के अंदर जाएंगे और यहां एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, ये सिर्फ ओपनिंग पासवर्ड डालेगा। क्या डालेगा? सिर्फ ओपनिंग पासवर्ड। ठीक है सर, चलिए अब आगे बढ़ते अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक जो हमारा है वो है मेरे शॉर्टिंग, शॉर्टिंग के बारे में जानते हैं। सर मैं स्क्रीनिंग के लिए लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया हूँ, बाकी साउंड के लिए मैं मोबाइल से हूँ सर। एक्चुअली वहाँ पे साउंड काम नहीं कर रहा मेरा लैपटॉप में, इसी वजह से मैं सर दोनों में कनेक्ट। कोई बात नहीं, बस देख रहा था ना, काउंट पड़ गया, देखा कोई कौन ज्वाइन कर लिया आपको। बिल्कुल मना कर रहा नहीं कर रहा हूँ कि आपने क्यों किया, ऐसे कुछ नहीं है, बस देख रहा था कि किसने क्योंकि मोबाइल में सर छोटा छोटा होता है इसलिए। कोई बात, चलिए आगे बढ़े। अब इसमें हम बात करते हैं शॉर्टिंग। अब मुझे अपने डेटा को शॉर्ट करना। सबसे पहले बात, हम डेटा को शॉर्ट करते क्यों, डेटा को शॉर्ट करते क्यों। अब जैसे ये डेटा आपके सामने दिख रहा है, मुझे, मैंने बोला कि मुझे इसमें जो है ये चाहिए, टॉप फाइव चाहिए। अब टॉप फाइव के लिए बाकी चीज करेंगे, उससे अच्छा है कि मैंने इस पे कर्सर रखा, शॉर्ट में गया और यहाँ ए टू जेड, जेड टू ए कर दिया और यहां से टॉप फाइव हमने उठा लिया, सिंपल। तो शॉर्ट इसलिए जोड़ी है, लेकिन कस्टम शॉर्ट, जैसे कि मैं यहाँ कस्टम शॉर्ट पे आता हूँ और मुझे मान लीजिए नेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, नेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट हो जाए, उसके अलावा और कुछ शॉर्ट करना है कि भाई मेरा क्वान्टिटी भी उसी अकॉर्डिंग शॉर्ट, और यहाँ ए टू जेड हमने कर लिया एनओ। तो देखिए अल्फाबेट अजीत और अजीत के अंदर आपका शॉर्ट। अब कुछ लोग मंथ के अकॉर्डिंग भी शॉर्ट करते हैं कि शॉर्ट ए टू जेड, बट प्रॉब्लम है कि अप्रैल अगस्त दिसंबर, मतलब ये कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग शॉर्ट नहीं होता। अगर आपका मंथ, हाँ डेट हुआ तो आपका कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग शॉर्ट होगा, लेकिन मंथ नहीं होगा, अगर सिर्फ मंथ है तो। तो उस केस में हम एक तरीका अपनाते हैं, हम कस्टम शॉर्ट पे जाते हैं और यहाँ नेम को लेते हैं, और नेम लेने के बाद यहाँ हम ए टू जेड के जगह पे कस्टम लिस्ट पे जाते हैं और यहाँ से अपना जैनफैब सेलेक्ट कर लेते हैं। जो ऑर्डर चाहिए ऑर्डर क्रिएट आप क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि मैंने नेम का ऑर्डर क्रिएट किया हुआ, ऐसे आप यहाँ पे लिख दीजिए और ऐड कर दीजिए, क्रिएट हो जाएगा। अब मैंने जैनफैब को सेलेक्ट करके ओके कर दिया, एनओ के। अब देखिए यहाँ पे, ओ सॉरी एक मिनट, हम नेम कर दिए, हमें मंथ करना था ना। अब देखिए जैन फेब मार्च। अब मान लीजिए कि मैंने अपने डेटा में जगह जगह पे कलर किया हुआ है, मुझे चाहता हूं कलर वाला सबसे ऊपर शॉर्ट होके आ जाए, तो कस्टम शॉर्ट में ये भी चीज है, जैसे मैंने क्वांटिटी सेलेक्ट कर ली और यहां पे मैंने सेलेक्ट कर लिया सेल कलर, और यहां हमने कलर अपना चूज किया, अब ऑन द टॉप चाहिए, ऑन द बॉटम चाहिए एंड ओके किया। तो ये देखिए हमारा टॉप में आ गया। मुझे तरह से आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग की आइकन ले रखी है तो भी आप कर सकते हैं, यहां पे हाईलाइट कस्टम शॉर्ट और यहां हमने क्वांटिटी के जगह पे एमआरपी और सेल कलर के जगह पे हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन और अपना आइकन चूज करके ओके कर दिया। तो ये देखिए सारे जो आइकन थे ये ऊपर आ गए, तो ये हमारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हुआ था। इसी तरह के फिल्टर्स इस्तेमाल कर सकते हैं आप, कि फिल्टर पे गए और यहाँ जो मर्जी हो सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे कंडीशंस है, कंडीशन दे सकते हैं,
उसी तरह से यहाँ भी कंडीशंस होते हैं नंबर्स में कि ग्रेटर देन लेस देन बिटवीन इक्वल टू, जैसे भी टॉप 10 चाहिए या टॉप 5 चाहिए यहाँ पे आप डालिए एंड ओके कीजिए, ये आपका उसी हिसाब से फिल्टर हो जाएगा। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है, आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो सॉर्टिंग एंड फिल्टर में आपको और कुछ सीखना है? नहीं, ये जो एरो कैसे आए थे सर? एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग में लगाया था ना, कल बताया था ना आपको सेल आइकन में एरो हमने, ठीक है, डेटा बार भी लगा सकते हैं। ओके 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 और कुछ पूछना है? नहीं, अकॉर्डिंग टू स्क्वायर जैसे 78 लिखा है, 85 लिखा है, अकॉर्डिंग टू इसमें कलर डेफिनेशन आ जाएगी, कलर ही बताए कि कौन कम या कम ज्यादा है, ऐसा कुछ कंपोनेंट। हाँ हाँ है ना, जैसे कि बताता हूँ, एक ये चीज भी कल मैंने आपको बताया था, आई थिंक आपने ध्यान नहीं दिया था, आया नहीं होंगे पता नहीं। देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अब इसको हमने सेलेक्ट किए और यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए। अब यहाँ पे एक हमारे पास आइकन है, एक मिनट थोड़ा सा, आप देखिएगा यहाँ पे डेटा बार, डेटा बार में एक बार बन जाता है चार्ट की तरह, ठीक है। जैसे नंबर बढ़ रहा है आप देख पा रहे हैं कि आपका बार बढ़ रहा है, जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है आप देख रहे हैं आपका बार भी बढ़ रहा है, ठीक है। ओके ठीक है। अब इसी को कलर की बात करें तो देखिए कलर ये रेड टू ग्रीन जा रहा है। ओके ओके ठीक है, ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है, क्लियर है कोई डाउट इसमें? ओके आगे बढ़े। हाँ चलिए, अब अगला टॉपिक आता है हमारा पिवट टेबल। देखिए पिवट टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों? क्योंकि पिवट टेबल हम मोस्टली रिपोर्ट्स में इसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसा बोला जाता है कि आप 80% रिपोर्ट्स में पिवट को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते। तो अब यहाँ पे बात आती है कि अगर हम पिवट के रिपोर्ट की डेफिनेशन दें तो रिपोर्ट होता है समरी ऑफ द डेटा। अगर हम पिवट की बात करें तो पिवट का हम डेफिनेशन देते हैं कि वी कैन यूज द पिवट टेबल फॉर एनालाइज द डेटा, समराइज द डेटा एंड रिप्रेजेंट ऑफ द डेटा। तो डेटा को समराइज करने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम पिवट टेबल लगाते हैं। पिवट टेबल लगाने से पहले डेटा को समझना होता है, क्योंकि इस पे इसको आप एनालाइज करने जा रहे हो तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आखिर है क्या है। तो यहां जो हमारा डेटा है बेसिकली सेल्स का डेटा है कि किसी पर्टिकुलर डेट को किसी रीजन में कोई प्रोडक्ट कैटेगरी और कौन सा प्रोडक्ट किस कस्टमर ने, कस्टमर का टाइप नया है या रिपीटेड है, कितनी यूनिट को और किस रेवेन्यू पे खरीदा। और इसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, ओके सर। अब इस पे हम पिवट बनाते हैं। तो पिवट लगाने के लिए जाइए, डेटा को सिलेक्ट करना जरूरी नहीं है अगर डेटा में किसी तरह का ब्लैंक रो नहीं है तो। अब यहां मैं पिवट टेबल पे क्लिक करता हूं, अब मैं ओके कर दूं तो एक नई शीट इंसर्ट करके उसके अंदर पिवट लगा दे, या आप किसी अपने शीट पे क्लिक कीजिए, उस शीट पे जाके एड्रेस दे दीजिए एंड ओके करते पिवट लग जाएगा। ये आपका पिवट टेबल का रिपोर्ट एरिया है, ये आपके फील्ड्स है। अब यहां से उठा के इन चारों में रखना है, जैसे चारों में रखेंगे यहाँ डेटा बनता जाए। अब क्वेश्चन आता है कि पहले पता होना चाहिए कि आप बनाना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप मेरे पास डेटा देख सकते हैं, मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि किस कस्टमर ने कितनी यूनिट्स को और कितना रेवेन्यू का बाय किया है,
तो मैं यहाँ पे अपने कस्टमर को अपने मेरा जो कस्टमर है उस कस्टमर को उठाया और रो में रख दिया, और फिर अपने यूनिट को उठा के यहाँ पर रखे और अपने रेवेन्यू को उठा के हमने वैल्यू में रखे। अब इसको कॉलम में रखें, कॉलम में रखें ताकि यहाँ पे कॉलम वाइज डेटा आए। आप देख सकते हैं मेरे डेटा में जो कस्टमर्स है कई बार रिपीटेड है, बट मेरे पिवट में एक बार में ही है, एक बार ही है। अब यहाँ ये यह आपके सामने रिपोर्ट बन गया, हमने यहाँ निकाल लिया। देखिए प्रॉफिट हमने डाल दी गलती से, हमें रेवेन्यू डालना चाहिए था, रेवेन्यू डाल दिया। तो मुझे रेवेन्यू के यहाँ पे काउंट आ रहा है, तो रेवेन्यू काउंट आ रहा है तो साइड में क्लिक करते ही यहाँ वैल्यू फील्ड सेटिंग दिखेगा। इस पे जाएंगे तो यहाँ सम का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करके जैसे ओके करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ आपको इसका सम दिख जाएगा। अब यहाँ इसको थोड़ा सा हम फॉर्मेट करते हैं, तो यहाँ हम नेम, यहाँ यूनिट, यूनिटी क्वांटिटी, क्यूटीआई क्वांटिटी, और यहाँ पे टोटल रेवेन्यू, इस तरह की चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ नाम वगैरह भी हम चेंज करना चाहे तो नाम वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। चेंज क्या नहीं कर सकते, चेंज हम क्या नहीं कर सकते, चेंज हम नहीं कर सकते इसके फिगर, जो फिगर्स है इस फिगर्स को हम चेंज नहीं कर सकते, सिंपल सा। अब दूसरे नंबर पे आते हैं हम यहाँ पे, और क्या क्या कर सकते हैं। अब इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह करना चाहे तो फॉर्मेटिंग वगैरह भी ऊपर डिजाइन में जाइए, बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, इसके फॉर्मेट ले सकते हैं। इस पे अगर आपको कोई चार्ट्स वगैरह बनाना है तो आप इजिली अपना चार्ट्स वगैरह बना सकते हैं। ठीक है सर, क्या इसे सर्कल ग्राफ में दिखा सकते हैं? हाँ दिखा सकते हैं, आपके आगे क्लासेज में बताऊंगा सारी चीजें। ठीक है ओके सर। तो इस तरह की रिपोर्ट बना सकते हैं। अब चलिए थोड़ा सा और हम ये होता है रिपोर्ट्स को थोड़ा सर, अभी रुको सर, जो चार्ट आपने दिखाया है ना बना के, बार एक बार दोबारा बना के दिखा दो। देखिए सबसे पहले मेरे पास डेटा है, किस डेटा पे चार्ट बनाना है आप ध्यान रखिए, राइट। ये मेरा हाँ डेटा चार्ट के लिए फिट नहीं है, क्यों? क्योंकि क्वांटिटी की जो साइज बहुत छोटा है और रेवेन्यू के साइज काफी बड़ा है, राइट। तो ऐसे केसेस में आप चार्ट अवॉइड कीजिए, वरना आपको सेकेंडरी एक्सेस लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इंसर्ट में गया और यहाँ से चार्ट ले लिया। अब चार्ट ले तो लिया तो मेरा सिर्फ यहाँ पर रेवेन्यू दिख रहा है, मेरा क्वांटिटी तो दिख ही नहीं रहा है। तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट चार्ट सीरीज पे गया तो यहाँ सेकेंडरी एक्सेस दिखा, हमने सेकेंडरी एक्सेस कर दिया, मतलब कि हमने क्वांटिटी और इसके लिए अलग अलग क्या ले लिए, एक्सेस ले लिया। लेकिन ये दोनों ओवरराइड कर रहा है क्योंकि एक तरह के चार्ट दो एक्सेस में नहीं हो सकते, तो मैं इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दिया। कैसे, चेन सीरीज चार्ट टाइप, और यहाँ हमने इसको क्वांटिटी को क्या दिया, लाइन चार्ट, एंड ओके। अब यहाँ ऐसे चार्ट को सेलेक्ट करते हैं तो डिजाइन में चार्ट्स के बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, आप अपने उस हिसाब से फॉर्मेट चूज कर सकते हैं, सिंपल। हालांकि कल की क्लास जो अगली क्लास हमारी होगी उसमें हम डिटेल में पढ़ाएंगे। तो अब बात करते हैं पिवट पे, मुझे थोड़ा सा और डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए। मैं ये चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि किस प्रोडक्ट में किस कस्टमर ने कौन सा टाइप था, न्यू था, ओल्ड था, कितना रेवेन्यू जनरेट किया, इस तरह के मल्टीपल्स ये चाहता हूँ, इंफॉर्मेशन चाहता हूँ। तो चलिए इसके लिए हम पिवट लगाते हैं। तो यहाँ हमने मान लीजिए हमने यहाँ पे ये रखा
सबसे पहले कस्टमर ए प्रोडक्ट की कैटेगरी, उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम, उसके बाद नहीं प्रोडक्ट नेम नहीं रखना कुछ ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद कस्टमर नेम, टाइप को मैंने कॉलन में रखा और यूनिट यहाँ पर रख दिया। ये रिपोर्ट आपके सामने आ गई। आप देख पा रहे हैं कि इसमें कोलैप्स और एक्सपेंड का फीचर है, क्यों? क्योंकि हमने रो वाले सेक्शन में दो फील्ड डाले। तो कैमरा के अंदर इन कस्टमर ने सेल किया है, टोटल कैमरा बिका 623 क्वांटिटी, और न्यू कस्टमर ने उसमें पूजा ने इतना खरीदा है, इंदु ने इतना खरीदा, इसने कितना खरीदा है, और सेम रिपीट में भी सेम ऐसे ही। प्रॉब्लम ये है कि इसको थोड़ा सा अलग दिखाना है, क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको कॉपी करके किसी जगह पे नॉर्मली पेस्ट करता हूँ, पेस्ट वैल्यू, अब पता नहीं चल रहा है ना प्रोडक्ट कौन सा है और नेम कौन सा है, क्योंकि दोनों मिक्सअप हो गया है। तो मैं चाहता हूँ दोनों अलग अलग दिखे, दोनों अलग अलग दिखे। अच्छा, YouTube पे जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास किसी तरह का क्वेश्चन है तो चैट पे आप पूछ सकते हैं, लेकिन टॉपिक से रिलेटेड ही पूछिएगा, टॉपिक के बाहर की मत पूछिएगा। तो इसलिए क्या करें, तो इसके लिए सिंपल सा ऑप्शन है कि मैं राइट क्लिक करूंगा, पिवट टेबल ऑप्शन पे जाऊंगा, क्लासिकल पिवट डिस्प्ले के अंदर क्लासिकल पिवट टेबल, यहां से भी कर सकता हूं, या पिवट पे क्लिक करके ऊपर डिजाइन टैब आता है, इस डिजाइन टैब के अंदर जाऊंगा और यहां लेआउट आपको दिखेगा। इस लेआउट में मैं यहां पे शो टैबुलर फॉर्म कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं ये अलग अलग कॉलम में आ गया और नीचे इसका सब टोटल आ गया। आप रखना है रखिए, अदरवाइज राइट क्लिक करके आप इसको सब टोटल क्लिक कीजिएगा तो हट भी जाएगा। अब कभी कभी क्या जरूरत पड़ती है कि मैं इसको रिपीट कर दूं कि यहाँ कैमरा कैमरा कैमरा, यहाँ सेलफोन सेलफोन, इस तरह से है, तो रिपीट के लिए भी आपके अंदर यहाँ पे ऑप्शन सेम है, लेआउट के नीचे ही दिखेगा रिपीट ऑल आइटम लेबल्स। अब मुझे एक ब्लैंक रो इंसर्ट करना है, तो जब भी प्रोडक्ट खत्म होता है हमारा कैटेगरी तो एक नया ब्लैंक लाइन आ जाए, तो यहाँ देखिए ब्लैंक रो है इंसर्ट इस तरह से, लेकिन मुझे ब्लैंक लाइन नहीं चाहिए तो रिमूव ब्लैंक लाइन, मुझे रिपीट भी नहीं करना है डू नॉट रिपीट, मुझे मर्ज करना है। अब जनरली आप इसको मर्ज नहीं कर सकते क्योंकि पिवट के अंदर आप किसी भी मर्ज का फैसिलिटी वर्क नहीं करता है, लेकिन मुझे मर्ज तो करना है, तो मैं यहाँ राइट क्लिक करूंगा और जाऊंगा किसमें, ग्रुप में, चल माफ कीजिएगा ग्रुप नहीं, पिवट टेबल ऑप्शन, मर्ज एंड सेंड एंड जस्ट ओके करूंगा तो आप देखेंगे कि सब आपस में मर्ज हो गया है। इस तरह से मर्ज आप कर सकते हैं। एक चीज और है, जैसे मुझे पता करना है कि कैमरा में रवि ने रिपीट में 2309 क्वांटिटी लिया है, तो 309 है कौन कौन, जस्ट इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिएगा, एक नई शीट में उसकी पूरी डेटा कॉपी पेस्ट। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जस्ट डबल क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए मुझे कवि का 315 का डिटेल चाहिए, तो जस्ट डबल क्लिक करूंगा एक नई शीट पे ए कॉपी पेस्ट होके आ जाएगा। ओके सर, अब हम बात करेंगे इसके आगे ग्रुपिंग का कि हम ग्रुप कैसे करें। तो चलिए सबसे पहले पिवट लगाते हैं, ओके ये हमारा पिवट लग गया। अब मान लीजिए मैं इसमें अपना रीजन लगता हूं, ये रीजन, और इसकी अपनी टोटल यूनिट रखता। अब इसमें हुआ क्या कि दिल्ली, नोएडा, जिजियन जो है, फरीदाबाद, ये सब दिल्ली और एनसीआर में आता है, तो मैं चाहता हूँ इन सबों का से इकट्ठा एक जगह दिखना चाहिए, दिल्ली और एनसीआर में एक जगह दिखना चाहिए, तो कंट्रोल को होल्ड कीजिए और सेलेक्ट कर लीजिए।
फरीदाबाद, जीएन, नोएडा, दिल्ली। सारा सिलेक्ट हो गया, जस्ट राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके ग्रुप कीजिए। ये देखिए आपको यहाँ पे जो है दो अलग आ गया और ये आपका ग्रुप वन आ गया। यहाँ भी आप देखेंगे रो में रीजन और रीजन टू आ गया, तो एक रीजन वाले को रिमूव कर दीजिए। और जैसे कि मैंने बताया मैं इसको चेंज नाम को चेंज कर सकता हूँ, तो दिल्ली एंड एनसीआर रिपोर्ट आसानी से देख सकते हैं। अब स्लैब वाला मुझे चाहिए। अब बेसिकली मेरे जो सेल्स है उस सेल्स में मेरे पास यूनिट है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि 1000 से 2000 रेवेन्यू वाले हमें कितने यूनिट का ऑर्डर मिला है, 2000 से 3000 वाले की, तो मैं प्राइस स्लैब देखना चाहता हूँ कि किस स्लैब की प्राइस की मुझे कितनी ऑर्डर्स मिलती है, किस प्राइस स्लैब की कितनी यूनिट हमें कितना ऑर्डर देती है, सिंपल सा। तो इसको सेलेक्ट किया, पिवट टेबल में गए फ्रॉम डेटा और एग्जिस्टिंग वर्कशीट में आएंगे और मैं अपना इसको सेलेक्ट करता हूँ एन ओके। अब मैं अपना जो रेवेन्यूज है उसको रख दिया रो में और यूनिट को रख दिया, एक ग्रुप हो गया क्योंकि मैंने ग्रुप किया हुआ इससे पहले, इसलिए अनग्रुप होने पे कुछ इस तरह से दिखेगा। तो आपका डेटा इस तरह से दिख रहा है। अब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा और करूंगा यहाँ से ग्रुप, और ग्रुप में आप यहाँ मिनिमम मैक्सिमम ऑटोमेटिक आ जाएगा, आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने 0 to 10,000 और 1-1,000 का ग्रुप दे दिया। आप इसको भी अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो कि कितना ग्रुप हो सकता है। देन ओके। ये देखिए 1000 से 2000, 2000 से 4000 के इस तरह का स्लैब आ गया। तो ये नंबर की ग्रुपिंग आप कर सकते हैं। ओके तो ग्रुपिंग समझ में आ गया आप लोगों को, पिवट की ग्रुपिंग। अब हम बात करेंगे पिवट की कैलकुलेशन। क्या बात करेंगे? पिवट की कैलकुलेशन। जैसे पिवट टेबल है मेरे पास, डेटा है, इंसर्ट करते हैं पिवट टेबल, एडजस्टिंग वर्कशीट में जाते हैं, यहाँ इसको लेते हैं एंड ओके करते हैं। मान लीजिए मैंने अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी और मैं अपना रेवेन्यू दे दिया, रेवेन्यू में मैंने यहाँ पे कर दिया टोटल सब। अब मुझे इसके बाद एक और चाहिए यहाँ पे कि कंट्रीब्यूशन, मतलब कि मार्केट शेयर कितना है इसका। हालांकि कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए जनरली हम लोग क्या करते हैं, पाई चार्ट का इस्तेमाल। पाई चार्ट में एड डेटा लेबल करते हैं और फिर इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा लेवल पे या फिर डिजाइन के अंदर भी हमारे पास ऑप्शंस है दिखाने के लिए। देखिए बता रहा है, दिखा रहा है सर, लेकिन मैं चार्ट के जरिए शो नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ एक नया फील्ड हो और सारे नंबर्स को मैं ए जो टोटल है इस टोटल से डिवाइड करना चाहता हूँ। तो जनरली मैनुअली आप यहाँ कर सकते हैं, बट वो पिवट का पार्ट नहीं हो, और पिवट का पार्ट नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्या होगा कि पिवट जब आपका अपडेट होगा तो ये आपका फॉर्मूला अपडेट नहीं होगा। जैसे पिवट आगे बढ़ा तो उसको डिलीट मार देगा। तो मैं रेवेन्यू को एक बार और जो है रख देता हूँ यहाँ, एक बार और मैं रख दिया। काउंट ऑफ रेवेन्यू के जगह पे हम वैल्यू फील्ड सेटिंग में सबसे पहले तो सम लेंगे और इसी के बगल में शो वैल्यू एज, जहाँ पे बाय डिफॉल्ट नो कैलकुलेशन, नो कैलकुलेशन। इस नो कैलकुलेशन की जगह पे मैं सिलेक्ट करूंगा परसेंटेज ऑफ, लेकिन परसेंटेज ऑफ किसका, परसेंटेज ऑफ ऑन टोटल। तो ये सारे नंबर को टोटल से मल्टीप्लाई करके एंड ओके करेगा और देखिए ये हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया कि मार्केट में 32% का कंट्रीब्यूशन कैमरा का है, 33 का सेलफोन का है, 16 का कंप्यूटर का है और टीवी एंड होम अप्लायंस का हमारा 17% का कंट्रीब्यूशन है। ओके इसमें और भी है कैलकुलेशन, आप देख लीजिएगा, इसमें और भी कैलकुलेशन है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं इसी तरह से। अब बात करते हैं फिल टू फिल कैलकुलेशन।
कैलकुलेशन, जी हाँ फिल टू फिल कैलकुलेशन। अब चलिए मैं अपने डेटा में आता हूँ। अब डेटा में मैं यहाँ पे कमीशन रेट का लेता हूँ कि कमीशन रेट का पर क्वांटिटी कितना रेट है, तो रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगा के हम यहाँ पे रैन हो गया रैन बिटवीन का। ये हमारा कमीशन हो गया कि पर क्वांटिटी हम 40 रुपए देते हैं या 68 रुपए देते हैं, तो टोटल अमाउंट मतलब कमीशन अमाउंट कितना, मतलब कि 10 × 68। लेकिन मैं इसको डेटा पे यहाँ नहीं करना चाहता, क्यों, क्या रीजन है, क्योंकि ये डेटा मान लीजिए कि लिंक है किसी और डेटा से, किसी और डेटा से हमारा लिंक है जहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या करें इसके लिए, तो हम पिवट के अंदर ही करना चाहते हैं। चलिए पिवट को हम लगाते हैं एक नई शीट, अब यहां हमने अपनी जो है मान लीजिए कस्ट यहां पे प्रोडक्ट कस्टमर लेता हूं कस्टमर, उसके यहां पे हम यूनिट और एवरेज कस्टमर रेट, यहाँ पे सम के जगह पे हम एवरेज करते हैं क्योंकि कमीशन रेट एवरेज आ जाएगा। लेकिन एवरेज देखिए इस तरह का बहुत सारे डेसिमल्स लग गए हैं, तो यहीं पे वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाके यहाँ नंबर फॉर्मेट देखिएगा, कल मैंने जो कस्टम फॉर्मेटिंग पढ़ाया था वो चीजें यहाँ पे आसानी से डाल सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे इसकी अमाउंट चाहिए, तो इसके लिए हम पिवट टेबल के अंदर ही कैलकुलेटेड फील्ड होता है, इस कैलकुलेटेड फील्ड में जाएंगे और यहां डालेंगे टोटल कमीशन अमाउंट, और यहां सिंपल सा हम क्या करेंगे कि कमीशन रेट मल्टीप्लाई बाय यूनिट और इसको ऐड करके ओके करेंगे। ये देखिए हमारे पास डेटा, तो इस तरह की आप जो है अपनी फर्म कैलकुलेटेड लिस्ट में इस तरह से अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे अपने हिसाब से जो मर्जी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, कोई डाउट इसमें सर? नो सर। अब इसमें अगला बात करते हैं एक्सटर्नल पिवट टेबल। अभी डेटा मेरी इसी सीट पे है तो मैंने लगा लिया, पर मान लीजिए डेटा किसी और शीट पे है तो कैसे करेंगे क्या, तो यहाँ हम फ्रॉम टेबल पे जाएंगे, सॉरी यहाँ गेट एक्सटर्नल डेटा सोर्स दिख रहा होगा, गेट एक्सटर्नल डेटा सोर्स, इसके अंदर चूज कनेक्शन, चूज कनेक्शंस में आप जो है अलग एक्सेल का फाइल हो, एक्सेस का फाइल हो, या जो भी सपोर्टेड फाइल है उसमें पिवट आप लगा सकते हैं सिंपली, राइट। जैसे मैंने यहां पे डेटा में मान लीजिए ये ले लिया हमारा पिवट टेबल टू का डेटा एंड ओपन, अब पूछेगा इसमें से सीट्स, तो हमने सीट सेलेक्ट कर लिया ए वाली एंड ओके एंड ओके, यहाँ पे आपका पिवट लग गया। अब चलिए मान ये तो छोटा नॉर्मल था, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास एक डेटा है, मेरे पास एक डेटा है जो कि कई सारे फोल्डर्स में, एक फोल्डर में कई सारे फाइल्स में, मैं दिखाना चाहूंगा दिख पा रहे हैं। अब ये अलग अलग मैं कई सारे टुकड़ों में डेटा आया है, मुझे इसको पिवट लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे कॉपी पेस्ट करके फिर पिवट लगाना। क्या डायरेक्टली हम पिवट टेबल में ऐसा कर सकते हैं? देखिए डायरेक्टली पिवट टेबल में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास लेटेस्ट एक्सेल हो तो कैसे,
तो यहाँ गेट डेटा में आप जाएंगे, फ्रॉम फाइल यहाँ पे फोल्डर आएगा, किसमें डेटा में लिखे अंदर, फ्रॉम फोल्डर पे जाते हैं। तो फ्रॉम फोल्डर में जाने के बाद आपको अपने लोकेशन पे जाना है, अपना फोल्डर सेलेक्ट करना है एंड ओपन कीजिए। ओपन होने के साथ अभी जो है एक डेटा टाइप ओपन होगा आपका, थोड़ा टाइम लगेगा। अब ये देखिए दिख गया आपको सारे फाइल लिस्ट, लेकिन अगर मैं इसको डायरेक्ट लोड कर दूं तो सिर्फ फाइल लिस्ट आएगा, पिवट में नहीं आएगा। कंबाइन में क्लिक करेंगे, कंबाइन एंड लोड टू, ध्यान रखिए कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म नहीं करना है, कंबाइन एंड लोड नहीं करना है, कंबाइन एंड लोड टू करना है, क्योंकि हमें पिवट के फॉर्मेट में चाहिए। अब यहां से कोई एक फाइल का, कोई एक सीट सेलेक्ट कर लीजिए, इसी के डेटा के बिहाफ पे बाकी फाइल का डेटा उठा के लेके आएगा एंड ओके कीजिए। ओके करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा सारे शीट्स को एबुलेट करने में। अब टाइम कितना लेगा ये डिपेंड करता है आपका डेटा कितना बड़ा, डेटा जितना बड़ा होगा टाइम लेगा। अब इस पे मुझे चाहिए पिवट टेबल रिपोर्ट, तो मैंने पिवट टेबल रिपोर्ट को सिलेक्ट किया, जस्ट ओके किया, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरा पिवट बन के आ गया, दिख रहा है सर। अब मुझे यहाँ पे मैंने सोर्स नेम दे दिया और यहाँ मैंने नेम दे दिया अपना। अब बाकी जो है मुझे यहाँ टोटल चाहिए, तो देखते महीने हैं, बट मुझे महीने का टोटल नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे ओवरऑल टोटल चाहिए, क्योंकि अगर मैं जैन फै मार्च रखूँ तो बहुत बड़ा डेटा हो जाए। तो सेम कैलकुलेटेड फील्ड में जाएंगे, यहाँ टोटल का कॉलम बनाएंगे और यहाँ पे एक वन बाय वन सारे फील्ड को हम प्लस करते जाएंगे प्लस के सैंपल से। और इसको ऐड ऐड एंड देखिए फाइल वन में पूजा के इतना टोटल है, टू में इतना है, थ्री में इतना है, फाइल्स नेम है, वन टू थ्री के नाम से 1 2 3 आया, अगर कोई सिटी या कोई और नाम है तो और नाम से आएगा। लेकिन ये चीजें आप लेटेस्ट एक्सेल में ही कर सकते हैं, पुराने एक्सेल में इसका कोई प्रावधान नहीं है, सो लेटेस्ट एक्सेल का ही पार्ट है। तो ये फाइल और आज की रिकॉर्डिंग मैं आपको भेजता हूँ आप।